नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा ड्रेस मेकर। और मैं नेहा आज लेकर आई हूँ आपके लिए पफ स्लीव, जो शॉर्ट वाली रहती है 3/4 वाली, वो वाली। तो पफ स्लीव का मैंने वीडियो पहले ही बनाया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मैंने ब्लाउज़ पहले से ही रेडी किया है। अगर आपको इस ब्लाउज़ की जो सीखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप हमारे डायरेक्ट चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने जो कपड़ा बचा हुआ है तो उसमें से मैं स्लीव्स निकालूंगी। तो इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है अभी, फिर इसको मेज़र कर लेंगे। पहले देखिए, ये मैंने डबल कर लिया है, अब इसको मेज़र कर दूंगी। तो इसको क्या है, मुझे 8 इंच निकालना है, 8 इंच। तो इसको पहले मैं देखूंगी कितना है, तो ये टोटल 16 इंच आ रहा है, यानी मैं इसको डबल करूँगी तो बीच में से। तो इसको पहले मैं 16 इंच पूरा कट कर लूँगी यहाँ से। तो ये देखिए, इस जगह से इसको मार्क करते हुए इसको कट कर देंगे यहाँ से। तो इसको पहले मैं मार्क कर लेती हूँ जिससे ये सीधा कटेगा, नहीं तो ये कपड़ा वैसा है तो टेढ़ा भी हो सकता है, इसलिए इसको मार्क करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में अभी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी किया कीजिए। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से मार्क कर दिया है मैंने, अब यहाँ से इसको कट कर दूँगी मैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा वैसा है इसलिए थोड़ा खिंचाव रहता है इसमें। तो ये देखिए, मैंने इसको अलग कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, बीच में से फोल्ड कर लेंगे जिससे ये 16 इंच इसकी जो मैंने लंबाई ली हुई थी वो रह जाएगी 8 इंच। तो 8 इंच का मैं कपड़ा लूँगी और 3 या 4 इंच का इसका बॉर्डर है तो वो अटैच करूँगी। तो इस तरीके से जो ब्लाउज़ की मेज़र रहता है 9 1/2 या जितना भी आपके साइज़ के हिसाब से, तो मैं 34-36 वाला ब्लाउज़ कर रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने लिया आर्म होल का। तो यहीं से हम इसको शेप दे देंगे, ये देखिए। तो इतना ही कट करना है हमें, और जो बाकी कपड़ा है उसमें प्लेट्स लगाएंगे तो उसको नहीं कट करना है। यहाँ से पीछे की साइड से हम कट करके इसको अभी कट कर लिया है मैंने, ये देखिए। तो इतना ही कट करना है, बाकी जो बचा हुआ है और नीचे का जो फोल्ड किया था उसको भी सीधा कट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमारी स्लीव्स कट चुकी हैं। तो इसको सेंटर को पता करने के लिए कि सेंटर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम इसको भी कट कर लेंगे थोड़ा सा। तो हमें क्या करना है, जहाँ से हमने इसको मेज़र किया है तो वहाँ से इसको क्या करेंगे कि प्लेट्स लेंगे। तो देखिए, ये बॉर्डर है मेरा, तो इस बॉर्डर पे ही यहाँ पे इतने में प्लेट्स डलेंगी और बकाया जो उसका आर्म होल के हिसाब से हमें कपड़ा रखना होगा वहाँ से अटैच कर देंगे। तो इसमें मैं क्या करूँगी, पहले इसको माप लेती हूँ कितना है। देखिए, 8 इंच इसकी टोटल लंबाई है और यहाँ पे 3 इंच या 4 इंच का बॉर्डर रहेगा, तो यानी 11 या 12 इंच की हमारी जो है स्लीव्स बन के रेडी होगी। ये देखिए, तो हमें क्या करना है, ये यहाँ से इतनी प्लेट्स लगानी है। तो चाहे तो आप प्लेट लगा सकते हैं, चाहे कच्चा धागा चला के उसको खींच सकते हैं। तो मैंने कच्चे धागे से पहले सिलाई किया था और उसको खींच के इस तरीके से प्लेट्स बना ली हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से निकल के आ जाती हैं। और मैं इस पर आपको लगा के दिखाती हूँ इसको कैसे मेज़र करना है। तो सेंटर में जो है, जो हमारा ब्लाउज़ रहेगा उसमें सेंटर से लेके 2.5-2.5 या 3-3 इंच पर प्लेट्स आनी चाहिए। उसके आगे हम कपड़े को प्लेन भी रख सकते हैं और पूरा जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का आर्म होल पे कपड़े को अटैच कर लेंगे, पिन की मदद से कर सकते हैं। मैंने पिन नहीं लगाई है, अगर आप बिगिनर हैं तो पिन लगाकर कीजिएगा क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए देखिए, ये मैंने सिलाई कर ली है, दोनों साइड अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं दोनों साइड की स्लीव्स कितनी पफ़ी हो गई हैं, ऊपर पफ बन के आने लगा है, आप देख सकते हैं। तो अभी ये जब नीचे भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ऊपर का हो चुका है, अभी प्लेट जल गई हैं, तो नीचे भी हम इसी तरह से कच्चा धागा लगाएंगे
और आप अपने सुविधा के हिसाब से प्लेट्स चाहें तो प्लेट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड में आ जाएगा। तो मैं किनारे पे सिलाई लगा दूँगी इसके, और ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा प्लेट्स दोनों साइड पड़ चुकी हैं, तो नीचे भी हो गई है ऊपर भी। और अब इसका पफ जो है कितना अलग दिख रहा है फूला हुआ, ये देखिए। तो ये जो है मैंने इसमें अस्तर लगाया हुआ है कट करके, थोड़ा आधा आधा इंच एक्स्ट्रा किया है। तो इसकी जो लंबाई मैंने 14 इंच पूरी ली है चौड़ाई, और लंबाई है इसकी 3 इंच, 3.5 इंच लगभग। तो क्या है इसका जो चौड़ाई 6 इंच लगभग वो रहेगा हमारा जो बाजू का माप, और 1 इंच हम मेज़र लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पलट जाएंगी। तो पहले हमें इसके जो है कर लिया है, उसके बाद इस पे रख के हमें सिलाई लगानी होगी। तो पहले हम अपने जो बॉर्डर है उसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम बॉर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने नीचे की तरफ से बॉर्डर सिल लिया है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा जो अस्तर का कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है। तो पहले मैं अस्तर पर रख के स्लीव्स को सिलूँगी, और स्लीव्स उसके ऊपर से हम जो है मेन बॉर्डर का कपड़ा है उसको सिलाई लगा देंगे, तो एकदम परफेक्टली इसमें बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, तो दोनों साइड में आपको लगा के दिखा देती हूँ कि जो लुक इसका आएगा वो कैसा आएगा। ये देखिए इसमें आराम से आप देखकर जो सेंटर है उसमें ज़्यादा प्लेट्स रहनी चाहिए, और किनारे पे हम थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा है तो खींच सकते हैं उसका धागा, तो वो बराबर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड यहाँ पर। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है, तो आपको इसका फाइनल लुक दिख रहा होगा। ये देखिए ये ब्लाउज़ लगभग रेडी हो चुका है, बस इसकी फिटिंग लगानी बाकी रह गई है। तो स्लीव्स देखिए दोस्तों कितना इसमें पफ आया है, और प्लेट्स कितनी ही उभर कर दिख रही हैं आपको परफेक्टली, जब आप पहनेंगे तो बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो अब हम फिटिंग लगा लिया है, देखो फिटिंग भी लग गई है, ये हमारा फाइनल टच है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और जो बेल आइकन है उस पर भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।